Hi everyone, what is up? Welcome back to my channel. So yes, you got it right. I've had a haircut और मेरे बाल actually में बहुत ज़्यादा लंबे थे, like they were like till my waist. और अभी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे बाल करा लिए in like first time in my life and I'm quite liking them. Actually, you know, फिर से मुझे प्यार हो गया अपने बालों से. मुझ पर सूट कर रहा है या नहीं कमेंट करके जल्दी से बता दो. एनीवेज, आज का जो वीडियो है ना वो है इनसाइट कॉस्मेटिक्स ब्रांड जो है उसके ऊपर. सो आई हैव गॉट बंच ऑफ देयर प्रोडक्ट्स जिससे आई थिंक फुल फेस ऑफ मेकअप हो सकता है. एक दो प्रोडक्ट्स नहीं है तो दैट्स नॉट एन इशू, हम कुछ और यूज़ कर लेंगे. तो ये जो ब्रांड है इनसाइट कॉस्मेटिक्स, मैं आपको बता दूँ ये इंडियन मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ब्यूटी ब्रांड है. इट्स अ वन ब्रांड मेकअप लुक वीडियो, प्लस मैं एक एक प्रोडक्ट को रिव्यू भी करूँगी लाइक छोटा छोटा. सो कीप ऑन वॉचिंग एंड बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. और चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट इज देयर प्राइमर. सो इट सेज इट्स अ 3-in-1 प्राइमर विच प्राइम्स, प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजेज. एंड इट्स ऑल्सो सेज इट इज लॉन्ग लास्टिंग, ऑयल फ्री. और ये 30 ml का प्रोडक्ट है विच रिटेल्स फॉर 250 rupees. ऑल राइट, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. ओके, मैं सबसे पहले अपने पोर्स जहाँ पर है मुझे वहाँ लगाऊंगी इसे. सो इट डेफिनेटली ब्लर्ड आउट माई पोर्स और काफ़ी स्मूथ फील हो रहा है मेरी स्किन पर. एंड आई वुड से येस इट मॉइस्चराइजेस वेल. बाकी फाउंडेशन यूज़ करके हम देखेंगे. ऑल राइट, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज देयर कंसीलर पैलेट इनसाइट प्रो कंसीलर पैलेट. इट्स अ व्हील काइंड ऑफ अ पैलेट. सो यहाँ पर ना इसमें बीच में है ऑरेंज कलर करेक्टर और बाकी डिफरेंट मल्टीपल शेड्स हैं इधर. तो मैं इस पैलेट को सबसे पहले अपने डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन को हाइड करने में के लिए यूज़ करूँगी. सो मैं इस ऑरेंज शेड को यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले. ओके, सो इट्स अ क्रीम बेस्ड पैलेट. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस कंसीलर और कंसीलर के लिए मैंने ये वाला शेड यूज़ करा है बिल्कुल मेरे स्किन टोन से मिलता हुआ. और सबसे पहले मैं अपने अंडर आईज को कवर करूँगी इससे. मैं इसके प्राइस की बात करूँ इस पैलेट के, देन इट रिटेल्स फॉर 190 rupees. और वाओ, आई मीन आपको टोटल कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 शेड्स मिलते हैं जिसमें आप कलर, आपको कलर करेक्टर भी मिल रहा है, आपको कंटोर शेड भी मिल रहे हैं एंड आपको कंसीलर शेड्स भी मिल रहे हैं. दैट इज़ अमेजिंग. वाओ, आई क्वाइट लाइक इट व्हेन इट कम्स टू इट्स प्राइस पॉइंट. और वैसे भी यू नो मेरे को ये जो कंसीलर है ना, अभी जो मैंने करेक्टर के बाद जो कंसीलर का शेड यूज़ करा है वो मुझे लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है. इसने जितना भी जो ऑरेंज शेड था वो सब हटा दिया है और मेरे डार्क सर्कल्स को काफ़ी हद तक हाइड कर दिया है. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दी फाउंडेशन. और फाउंडेशन जो है वो है अल्ट्रा थिन सेकेंड स्किन लिक्विड फाउंडेशन. इट्स अ लॉन्ग वेयर फाउंडेशन एंड दिस वन इज़ इन द शेड 04 वॉर्म न्यूट. और दिस रिटेल्स फॉर 175 rupees ओनली. वाओ, फाउंडेशन इन जस्ट रुपीज़ 175, दैट इज़ अमेजिंग. वो भी एक लिक्विड फाउंडेशन आपको मिल रहा है और इसमें लिखा है कि लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है, वो तो भी पता लगेगा कि ये क्या है. और इट
also says it has SPF 15 and it also says it is medium coverage. ये dropper में आता है foundation और honestly मुझे dropper वाले foundations थोड़े messed up लगते हैं. इसको मैं सबसे पहले अच्छे से shake करूँगी और dropper में लूँगी थोड़ा. सीधा मैं skin पर लगा रही हूँ. पहले मैं ना थोड़ा थोड़ा लगाऊँगी. No. Crap. I ruined my top. Shh. मैं aesthetic shot लेना चाह रही थी but anyways. आगे बढ़ते हैं. Okay, so हाँ अभी मैंने सिर्फ cheeks पर लिया है और let me just blend it. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फाउंडेशन शेड डजेंट मैचेस माई स्किन टोन. पहले मुझे लगा था कि मैंने कलर करेक्शन किया है तो दैट्स वाई ये थोड़ा ज़्यादा वॉर्म हो गया है बिकॉज आई यूज प्रॉपर ऑरेंज कलर करेक्टर. बट देन आई रियलाइज कि नहीं अभी मेरे फेस पे और नेक पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लाइक कलर टोन में. तो दिस वन इज अ बिट डार्कर देन माई स्किन टोन और ये इसलिए मुझे मैच नहीं हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम इट्स पैकेजिंग इफ आई टॉक अबाउट इट्स टेक्स्चर देन डेफिनेटली इट्स अ गुड टेक्स्चर फाउंडेशन और काफ़ी अच्छा लिक्विड टेक्स्चर है इसका. लाइक what do you need? Like 175 rupees में आपको अच्छा खासा texture मिल रहा है इस foundation liquid form जो है बहुत अच्छा है इसका. और plus it's I would not say it's a medium coverage, it's a buildable coverage. मतलब एक light coverage है, sheer coverage है but अगर आप उसको एक दो layer लगाओगे तो definitely वो medium coverage बन जाएगा. So yes, so I think it's a thumbs up but packaging is no, not good. Next, I am again going to use this palette और मैं थोड़ा lighter shade में concealer लूँगी इसका. ये मुझे सबसे lighter shade लग रहा है तो यही वाला मैं लूँगी और I will brighten up my under eye area, mouth area. मुझे लग रहा है जहाँ जहाँ पर darkness है अभी भी तो मैं वो वाली same brush use कर रही हूँ और just going in here. And okay. Actual में ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है लाइक when I see it पास से इन द मिरर और काफ़ी स्मूथ टेक्सचर है आई थिंक फाउंडेशन और कंसीलर दोनों का. सो डेफिनेटली थम्स अप फॉर बोथ ऑफ देम. एंड ओके सो नेक्स्ट अभी मुझे इस पूरे बेस को सेट करना है और अभी आई डोंट हैव इनसाइड कॉस्मेटिक्स का सेटिंग पाउडर और एनी सॉर्ट ऑफ पाउडर. सो लेट मी जस्ट डू दैट फर्स्ट एंड देन आई कम बैक. तो मैंने अपना बेस सेट कर लिया है और प्लस मुझे याद आया था कि मेरे पास कोई आईब्रो प्रोडक्ट भी नहीं है तो मैंने वो भी फिल कर लिया है. एंड अब जो है ना अब मैं ओके आई डू हैव अ कंटोर स्टिक एंड एन हाईलाइटर like it's a duo stick as you can see और ये है duo 2-in-1 stick जिसमें एक तरफ आपका concealer and contour आता है दूसरी side पर यहाँ पर आपको highlighter मिल जाता है. Now I'm just going to blend it. उसके बाद जो है इसमें जो हाईलाइटर है वो भी मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ. ओके अब जो हाईलाइटर का शेड है ना वो काफी सुंदर दिख रहा है. वाओ
और इसका जो प्राइस है वो है 195 रुपीज़ ओनली। मतलब आपको 195 रुपीज़ में दोनों चीज़ें मिल रही हैं, कॉन्टोर एंड हाइलाइटर, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी के, प्लस दे बोथ ऑफ देम आर लाइक क्रीम बेस्ड। वाओ, आई मीन सच एन अमेजिंग डील, सो 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 गुड। डेफिनेटली प्लीज़, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए ना, डुओ स्टिक और समथिंग, तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन दिस वन, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू अप्लाई इज दिस आई शैडो। सो आई डोंट हैव एनी इनसाइड कॉस्मेटिक्स का आई शैडो पैलेट और समथिंग, सो मेरे पास ये है मेटालिक आई शैडो, लिक्विड आई शैडो, जो कि काफ़ी सुंदर शेड में है, मतलब जो शैम्पेन और पिंक काइंड ऑफ ए शेड है, और इस शेड का नाम है 03 एलिस। 180 रुपीज़, यस, 180 रुपये में। ओके, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। सो मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई करी ऑन माई आई लिड्स। दिस लुक्स सो गुड। मेरे को लगता है मैं इसको ऐसे लाइक ब्लेंड करूँगी अपनी फिंगर से, और ये ड्राई भी हो गया। वाओ, ओके, सो मुझे लगता है मुझे काफ़ी जल्दी जल्दी इसको अप्लाई करना पड़ेगा, एंड क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो रहा है। ये बहुत सुंदर लग रहा है। इफ़ यू आर लाइक गोइंग टू सम पार्टी और समथिंग ना, सो गुड, जस्ट परफेक्ट फॉर दैट ओकेजन। बहुत जल्दबाजी में हो तो बस एक कोट या दो कोट इसके लगा लो, आपको आपका आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो इन द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव गॉट इज, मैं इसको जब से ना काजल समझ रही थी वो उस बॉक्स के अंदर था, बट इट्स अ पेन आई लाइनर विच इज वाओ ग्रेट, जो कि मुझे बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं आता है। लाइक आई एम नॉट रियली गुड यूजिंग अ पेन आई लाइनर, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे मिरर चाहिए। ओह, इट हैज़ अ वेरी नाइस टिप, इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है आई थिंक, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए। आई हैव ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस आई, एंड आई शुड से कि इसका जो टिप है वो काफ़ी अच्छा है। लाइक मोस्ट ऑफ द पेन लाइनर्स का जो टिप होता है ना, वो काफ़ी क्लमजी सा होता है। मैं ऊपर इसलिए नहीं देख रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि ये ऊपर ना लग जाए। आई एम जस्ट लेटिंग इट ड्राई प्रॉपरली। और प्लस इसका जो प्राइस है गाइस, लाइक इट रिटेल्स फॉर ओनली 150 रुपीज़। वाओ, 150 रुपये में तो मतलब मज़ा ही आ गया। 150 रुपये में आपको एक पेन आईलाइनर मिल रहा है, दैट इज ग्रेट। अब ये कितनी देर में ड्राई होगा ये मुझे नहीं पता। सो मेरा आई मेकअप भी हो गया है, और इसके बाद मैं बस ब्लश लगाना बाकी है और लिपस्टिक। तो ब्लश भी नहीं है मेरे पास, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज़ अ लिपस्टिक एज अ ब्लश। तो मैं, ये बिल्कुल रेड कलर है तो मैं एक ही डॉट लूँगी, एक यहाँ और एक यहाँ, और उसको मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। वाओ, दिस इज क्वाइट टू मच। थैंक गॉड आई ओनली टुक लाइक वन डॉट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई लिप्स। सो दिस इज़ इनसाइड कॉस्मेटिक्स नॉन ट्रांसफर लिप कलर, और दिस इज़ इन द शेड 02 रेड अलर्ट। और ये जो लिपस्टिक है ना, ये आती है सिर्फ और सिर्फ 90 रुपीज़ की। मतलब एक लिक्विड मैट लिपस्टिक आपको 90 रुपीज़ की मिल रही है, और ये मैंने पहले भी यूज़ की हुई है। इसका मेरे पास एक और शेड है विच इज़ दिस ब्राउन शेड, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये सिर्फ
और सिर्फ 90 रुपीज़ ही है गाइज, लाइक वॉट अ डील. ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लिपस्टिक. वाह व्हाट अ गॉर्जियस कलर. सो लास्टली मैं मेकअप फिक्सर, मेकअप को फिक्स करने के लिए मेकअप फिक्सर यूज़ करूँगी जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक्स का है, एंड दिस वन रिटेल्स फॉर ओनली 170 रुपीज़. तो लेट मी जस्ट शेक इट प्रॉपरली एंड इट स्मेल्स समथिंग लाइक फ्लोरल. इट स्मेल्स गुड बट लाइक आई एम सो कन्फ्यूज. ये था मेरा वन ब्रांड मेकअप लुक एंड द वन ब्रांड इज इनसाइड कॉस्मेटिक्स. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड फ्रॉम ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स मुझे डेफिनेटली इनकी कॉन्टोर स्टिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एंड देन दिस लिपस्टिक. और अगर मैं प्राइमर की बात करूँ तो प्राइमर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था. एंड फाउंडेशन की पैकेजिंग को लेकर मुझे थोड़ा सा लगा लाइक अगर फाउंडेशन की पैकेजिंग ट्यूब वाली होती तो डेफिनेटली इट वुड हैव मच बेटर. और एनीवेज मुझे आईलाइनर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक इट हैज़ अ वेरी नाइस टिप. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.